हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मीम फायर की कंप्लीट डिटेल्स लेके आ गया हूँ मैं आप लोग के पास। सारी डिटेल्स को कवर करेंगे, क्या प्राइस है, क्या प्राइस रह सकती है, टोकन्स मिलना कब स्टार्ट होंगे, वो के अकाउंट्स बैन हुए हैं तो बैन होने के बाद क्या हुआ है, उनको रिकवरी मिल सकती है, यानी सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लें, यहाँ पे मैं सारी अपडेट्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मीम फायर के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे आपके पास अगेन माइनिंग स्टार्ट हो गई है, आप लोग करें या ना करें इट्स ऑन यू। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसका मुझे नहीं लगता कुछ इतना खास बेनिफिट है। उसके बाद अगर हम देखें तो एयरड्रॉप वाले सेक्शन के ऊपर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। जस्ट 26 मिनट्स के बाद जो है आपको टोकन्स क्लेम के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे क्लेम करने हैं और कहाँ पर लेके जाना है। यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो क्राइटेरिया आप लोग के सामने मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और किन लोगों के लिए अगर मैं बात करूं टोकन्स मिलेंगे, किन लोगों को टोकन्स मिलेंगे, किन लोगों के लिए एयरड्रॉप है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप लोग के पास, यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 4 जो है वो आ रहे हैं, 4 out of 6 आ रहे हैं, मतलब मेरे 4 टिक हैं और 2 मेरे पास नहीं हुए क्राइटेरिया, तो इसका इशू नहीं है इतना ज़्यादा। आप लोग जो है वो अगर यहाँ पे 3 क्राइटेरिया भी फिल कर लेते हैं इनके जो कि हमारे पास हैं, अर्न एटलीस्ट 5 million stars, ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कंप्लीट ये कर लेना है आपने और एटलीस्ट 1 day वाला गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो ये 3 अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जो है वो एलिजिबल हैं, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे आपके पास बैन का ऑप्शन ना आ रहा हो। बैन का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्लियरली मेंशन हो रहा होगा कि यहाँ पे बैन का ऑप्शन आ गया। अब जिन लोगों का बैन ऑप्शन आ गया है उनको एयरड्रॉप एलिजिबिलिटी नहीं है, वो एयरड्रॉप क्लेम नहीं कर पाएंगे, भले अगर आपके पास टोकन्स बहुत ज़्यादा थे आपके पास जितने भी अकाउंट से, लेकिन अगर आपके पास बैन का ऑप्शन आ गया तो कोई रिकवरी नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी बहुत गाइड किया कि आप देखें जो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से आप माइनिंग कर सकते हैं करें, इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ ना करें। तो ये है आपके पास बैनिंग का, और जिनके अकाउंट्स बैन हुए हैं उनको जो भी उन्होंने पेमेंट की है उनको वापस मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनके अकाउंट्स बैन हुए थे उनको रिफंड मिल चुका है जितने स्टार्स उन्होंने यूज़ किए। तो यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर आप लोग को सारे आपके स्टार्स जितनी भी आपने परचेजिंग की है थ्रू स्टार्स वो आप लोग को रिफंड हो चुकी है। तो अगर आप लोग के पास अकाउंट बैन है तो आप लोग अपना अकाउंट जा के चेक कर लें, आपको आपके स्टार्स वापस मिल गए होंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी वो उन्होंने आपको वापस कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो क्लेम के ऊपर जो है वो आपके पास जस्ट 30 minutes रह गया है क्लेम, उसके बाद टोकन्स हो जाएंगे। क्लेमिंग का क्या प्रोसेस होगा, क्लेमिंग का सिंपल ये प्रोसेस होगा कि आपने जो वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है उस वॉलेट के ऊपर ये आप लोग को मिलेगा। इनिशियल तौर पे ये है कि आपके वॉलेट के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन अगर एक स्टेप आगे देखा जाए तो यहाँ पे एक्सचेंजेस ऐड होंगी, जैसे कि आपने डॉग्स नॉट कॉइन जैसे एयरड्रॉप को ज्वाइन किया था उनके अंदर जो है वो सारी एक्सचेंजेस ऐड कर दी गई थी। सिंपल आपने अपनी यूआईडी और एड्रेस पेस्ट किया था, आपको टोकन्स आपके एक्सचेंज के अंदर मिल गए थे। इसी तरीके से यहाँ पे मीमफाई के ऊपर भी आएगा, टॉप एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पे कंफर्म कर दी गई हैं, OKX, बायबिट, क्यू कॉइन, गेट.io, बाइनेंस जस्ट रह गया, बाकी जितनी छोटी मोटी एक्सचेंज है वो भी कन्फर्म कर चुकी हैं लिस्टिंग को, जस्ट बाइनेंस रह गया है। तो बाइनेंस की कन्फर्मेशन के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम लाजमी से ज्वाइन करें, जैसी कन्फर्मेशन आती है बाइनेंस की तो मैं आप लोग को लाजमी से उसके बारे में गाइड करूंगा। अब अगर हम चलें प्रिडिक्शन के ऊपर कि क्या प्राइस रह सकती है और आप लोग के टोकन कितने आप लोग को मिल सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को प्रीवियस बहुत सी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि 1 billion के ऊपर जो है वो मुझे लगता है अभी जस्ट 30 minutes रह गए हैं और मैं आप लोग को प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ 1 billion जो है वो आप लोग को मिल सकते हैं अप्रोक्स 10,000 token अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जितने अकाउंट्स बैन हुए हैं जितनी सप्लाई जो है वो इनकी माइनस हुई है, जो बहुत से अकाउंट्स बैन हुए तो मुझे ये लगता है कि 1 billion पे आपको मिनिमम टू मिनिमम 10,000 tokens तो मिलने ही चाहिए। आपके पास जितने हैं आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके लाजमी से कमेंट के अंदर मुझे बताना। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिए एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस बंदे ने आपको समझाया है, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मीमफाई की टोटल सप्लाई कितनी है, 10 billion जो है वो इसकी टोटल सप्लाई है, एयरड्रॉप के लिए 9 billion रखी गई है जो कि तकरीबन हम लोग को सबको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 100% है, कोई यहाँ पे लॉकिंग नहीं है प्रोसेस जहाँ तक लगता है।
अगर टीम की तरफ से या इन्वेस्टर्स की तरफ से लॉक की गई हो तो वो अलग बात है। अभी तक की जो न्यूज़ है वो ये है कि पूरी 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 मिलियन रजिस्टर्ड हैं हमारे पास यूज़र्स यहाँ पे, और 7 मिलियन एक्टिवली प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा इसका गेम की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। अब अगर यहाँ पे अगर 100 मिलियन का मार्केट कैप आ जाता है तो आपको प्राइस दिख सकती है 0.01, जस्ट 100 मिलियन। ये बहुत ही आसान है, आराम से हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे 200 मिलियन हो जाती है मार्केट कैप तो आपको 0.02 तक की प्राइस देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा मार्केट कैप ये कवर करेगा उतनी ज़्यादा आप लोग को प्राइस देखने को मिल सकती है। 0.05 भी कंफर्म हो सकती है, प्रिडिक्शन की जा सकती है उसके ऊपर भी, क्योंकि बाइनेंस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। अगर बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल आ जाता है और बाइनेंस कंफर्म कर देता है लिस्टिंग को, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 0.05 तो आराम से आ सकता है। 500 मिलियन यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मार्केट कैप कवर कर सकता है। तो ये मेरी साइड से प्राइस प्रिडिक्शन थी। और यहाँ पे आप देखते हैं हाफ एन आवर के बाद आपको कितने टोकन्स मिलते हैं। जल्दी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से जो है वो आप अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं और अपने वॉलेट या एक्सचेंज के अंदर किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो लाजमी से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम लाजमी से ज्वाइन कर लें। और कोई भी डिटेल्स अगर आप लोग को एयरड्रॉप से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करें, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो हम करते हैं एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।